बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इकरा इंग्लिश बुक 2 का हम लोग यूनिट नंबर 3 कर रहे थे, और यूनिट नंबर 3 में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काम किया था, है ना। और कॉपी वर्क भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। वर्ड उर्दू मीनिंग, वर्ड इंग्लिश मीनिंग को हमने कॉलम वाइज किया था। फिर हमने कॉपी पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी कर लिया है, और एक्सरसाइज नंबर 3 हमने बुक पे कर लिया है। और हमने जो कल की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4 तक अपना काम किया था, एक्सरसाइज नंबर 4 में सेंटेंसेस बनाने थे। आई होप यू ऑल हैव डन दिस, आप सब ने अपना काम कर लिया होगा। आज हमारा काम है एक्सरसाइज नंबर 5 हम करेंगे, और रिमेनिंग एक्सरसाइजेज जितनी भी रह गए हुए हैं वो हम आज कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 में क्या है बेटा? कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय यूजिंग एंटोनियम ऑफ अंडरलाइन वर्ड। इसमें एक्सरसाइज में अंडरलाइन वर्ड्स हैं, और इसका हमें एंटोनियम देना है। अब क्या है एंटोनियम्स? थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे एक उसकी मीनिंग लिखी है, लुक एट द बोर्ड। जी बेटा, एंटोनियम क्या है? एंटोनियम मीन्स ऑपोजिट, यानी किसी भी वर्ड का ऑपोजिट, मुतजाद, उसको हम ये बोलते हैं। यहाँ देखिए जो अंडरलाइन वर्ड्स है, हियर आई हैव मेड चार्ट, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कॉलम से मैंने इसको बता दिया है, एंड इसको देख लें, एंड देन वी विल डू एक्सरसाइज इन द बुक, उसको हम करेंगे। ऑर्डिनरी का वर्ड वहाँ पे दिया हुआ था, और उसका ऑपोजिट है स्पेशल। हमने मीनिंग ऑर्डिनरी के क्या पढ़े थे? जी हाँ, आम, स्पेशल, खास, ऑपोजिट है ना। स्मूथली, हमवार, जी स्मूथली, हमवारी से, रफली, ना हमवारी से। ग्रीव्ड, गमगीन, उदास, प्लीज्ड, खुश, खुशोखुर्रम, कर्स, बुरा भला कहना, बुरा होना, बुरा, ठीक है। प्रेज, तारीफ, तारीफ करना। पॉपर, गरीब, मुफलिस, बदहाल, रिच, अमीर, ठीक है, खुशहाल। जिंक्स, बैड लक, और लक उसका ऑपोजिट किस्मत। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, आपको भी क्या करना होगा, अब हम करने क्या जा रहे हैं कि सेंटेंस लिखने हैं, और यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड दिए हुए हैं। वी विल फाइंड द ऑपोजिट एंटोनियम फ्रॉम दीज लिस्ट ऑफ वर्ड्स। इस लिस्ट ऑफ वर्ड्स से हम इसका ऑपोजिट तलाश करेंगे। जैसे मैंने आपको एक कॉलम के हिसाब से बोर्ड पे आपको दिखा दिया ना कॉलम बना के, सो इट विल बी ईजी फॉर यू टू डू दिस एक्सरसाइज बाई योर सेल्फ। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। अली वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, बट अकमल वॉज अ, जी क्या आएगा? यस, स्पेशल पर्सन। फातिमा स्पीक्स विद हर पेरेंट्स स्मूथली, आराम से, है ना, आराम से, नरमी से भी। अच्छा, स्मूथली रहमवारी भी है, और नरमी से और बहुत धीमे से, इसके मानों में भी आता है। बट हर ब्रदर स्पीक्स, कैसा करता है उसका भाई वालदेन से? जी स्मूथली, अपोजिट इज रफली, इंटेनियम। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो सॉल्व कर दिए हैं। यू विल डू बाय योरसेल्फ, रिमेन विल बी डन बाय यू, बाकी के आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। माय फादर वाज ग्रीव टू सी माय ब्रदर्स रिजल्ट, बट ही वाज डैश टू सी माय रिजल्ट्स। माय फादर वाज ग्रीव, गमगीन थे मेरे भाई का रिजल्ट देखकर, लेकिन ही वाज डैश टू सी माय रिजल्ट्स, मेरे रिजल्ट को देखकर वो क्या हुए, अब ढूंढे आप। वी शुड डैश अदर्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग कर्स ऑन देम, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि दूसरा जो है वो क्या हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग, उसके बजाय कर्स ऑन देम। वी शुड डैश अदर्स इंस्टेड ऑफ पुटिंग कर्स ऑन देम, हमें क्या करना चाहिए दूसरों को, बजाय इसके कि हम उनको बुरा भला कहें। येस, आई होप यू विल फाइंड द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दिस लिस्ट, ठीक है, आपको कर लेंगे। ही वॉज अ डैश मैन, आफ्टर वन ईयर ही बिकेम पॉपर बिकॉज ऑफ हिज फुलनेशनेस। वो ही वॉज अ डैश मैन, क्या बन गया था वो?
ही वॉज अ कैश मैन. वो कैसा आदमी था? अभी ढूंढना है, अभी हम देखते हैं अंडरलाइन वर्ड इसका क्या है. पॉपर, पॉपर गरीब ना. तो क्या था, आफ्टर वन ईयर ही बिकेम पॉपर. वो एक साल के बाद मुफलिस हो गया, गरीब हो गया, बिकॉज ऑफ हिज फुलिशनेस, अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से वो पॉपर बन गया, हो गया, गरीब हो गया. और वो कैसा आदमी था जी, गरीब का ऑपोजिट आपको हमने बताया हुआ है. ही हैड फाइनली ब्रोकन द जिंक्स विद अ लिटिल डैश. अब आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह. एक्सरसाइज नंबर 6 है, एड फुल टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन नाउंस. ठीक है, हमें वर्ड में फुल पुट करना है ताकि वो नाउन से एडजेक्टिव बने. नाउ लेट्स नाउ लुक एट द बोर्ड. यस स्टूडेंट, हमें फुल को ऐड करना है नाउन में. अब ये है क्या फुल? फुल इज अ सफिक्स. सफिक्स किसी भी वर्ड के आखिर में लगाया जाता है. सफिक्स मेक्स न्यू वर्ड. वो क्या करता है, वो एक नया वर्ड बना देता है. तो हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड. द एडिशन ऑफ फुल टर्न्स अ नाउन इनटू एन एडजेक्टिव. नाउन को फुल टर्न करेगा एडजेक्टिव में. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हमने जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, हमने अच्छा खासे उसमें से हमने बहुत सारे इसके पार्ट्स पढ़ लिए हैं, जिसको आज मैंने छोटा सा बोर्ड पे एक बनाया हुआ है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं क्या. यस स्टूडेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच अब देखें. हम लोगों ने वी हैव लर्नड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन. हमने ये सब पढ़ा है ना, बुक नंबर 1 में भी हमने पढ़ा और बुक नंबर 2 पे हमने नाउन और एडजेक्टिव हमने पढ़ लिया है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हम फुल को जो है ऐड करेंगे नाउन में, तो व्हाट इट विल बी? यस, इट विल बी एडजेक्टिव. अब मैंने क्या किया, सक्सेस प्लस फुल. सक्सेस के साथ मैंने फुल ऐड किया तो इट विल बिकम सक्सेसफुल. देखिए वो एडजेक्टिव बन गया. ब्यूटी, ब्यूटी इज अ नाउन. प्लस फुल इज इक्वल टू ब्यूटीफुल. देखिए मैंने यहाँ पे एक काम किया है, आई जस्ट रिमूव वाई एंड पुट आई इंस्टेड ऑफ वाई. मैंने यहाँ पे वाई को हटा के आई कर दिया एंड देन वी विल एड फुल एंड इट विल बी एन एडजेक्टिव. सो इज इट क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हम कोई भी न्यू वर्ड बनाते हैं तो उसके आगे सफिक्स लगा देंगे तो वो न्यू वर्ड फॉर्म हो जाएगा. यानी सक्सेस नाउन था, कामयाबी. सो आई हैव मेड दिस वर्ड, आई हैव टर्न दिस वर्ड इन एडजेक्टिव सक्सेसफुल. फुल लगा के मैंने उसको सक्सेसफुल, कामयाब. ब्यूटी, खूबसूरती. आई एड फुल तो मैंने इसको एडजेक्टिव बना दिया, ब्यूटीफुल, खूबसूरत. सो लेट्स कम टू द बुक. जी स्टूडेंट, एड एक्सरसाइज नंबर 6, एड फुल टू मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन नाउंस. ठीक है, ये नाउंस दिए हुए सारे इस कॉलम में, सक्सेस, केयर, यूज, हेल्प, ब्यूटी, मीनिंग, स्किल, होप, रिस्पेक्ट, कलर. नाउ वी आर गोइंग टू एड फुल हम लगाएंगे इसमें एंड वी विल चेंज द वर्ड इन टू, चेंज द नाउन इन टू एडजेक्टिव. केयर एक एग्जाम्पल आपको दे दी इन्होंने, नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जाम्पल, केयरफुल. यस स्टूडेंट, सो यूज, यूजफुल, हेल्प, हेल्पफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल. हमने क्या किया था, वाई को इंस्टेड ऑफ वाई वी हैव टू पुट आई, है ना. सो बी कॉन्शियस टू राइट द वर्ड ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल लिखते हुए कॉन्शियस रहिएगा, वाई रिमूव कीजिएगा वाई को एंड देन पुट आई बिफोर फुल. मीनिंग, मीनिंगफुल. स्किल, स्किलफुल. होप, होपफुल. रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल. कलर, कलरफुल. सो जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 7 में है, कलर द नाउन्स एंड एडजेक्टिव बाय द गिवन कोड. नाउन को हमें पिंक से करना है और एडजेक्टिव को हमें ऑरेंज से करना है. क्लियर स्टूडेंट? नाउ लेट्स फाइंड द नाउन फर्स्ट. पहले हम नाउन फाइंड करते हैं. नाउन क्या था, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज़, जगह का
परिंदे कोई भी एनिमल हो, थिंग हो, सब जिस किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन। सो लेट्स फाइंड द नाउन फर्स्ट। विलेज, गांव, जी ये है, इट्स अ नाउन, सो आई एम कलरिंग इट। और एग, अंडा, चीज़ है ना, सो इट्स ऑल्सो अ नाउन। आप तो कर लेंगे काम। अब एक एडजेक्टिव हम और इनसे हाँ करते हैं। गोल्डन, सुनहरा, इट्स अ कलर। और हमने क्या बताया था, कलर क्या था, एडजेक्टिव, कलर जो है वो एडजेक्टिव है। सो आई कलर, आई एम कलरिंग इट विद ऑरेंज। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। आप लोग खुद कर लेंगे कि नाउन को पिंक से और एडजेक्टिव्स को ऑरेंज से। यस स्टूडेंट, हेयर लेट्स टॉक। कन्वर्सेशनल पैटर्न है, यहाँ पे कन्वर्सेशन हम लोग करेंगे। इसमें क्या टॉपिक है, सो टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट फूड एंड ऑर्डरिंग मील। हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, सो वी शुड हैव वी डू इन द रेस्टोरेंट और होटल। येस, वी गेट अ मेन्यू कार्ड, एक मेन्यू कार्ड होता है, एंड देन वी ऑर्डर टू अ। So here I have a partner and we are pretending ourselves as waiter and guest. ठीक है, होटल में जाते हैं तो एक मेन्यू कार्ड से पढ़ के ऑर्डर देते हैं और वेटर उनको रिसीव करता है, एंड देन फिर वो आपके जो मेन्यू होता है वो उसके हिसाब से आपके लिए खाना लाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। आप भी ऐसे प्रिटेंड कीजिएगा अपने घर में, अपने आप को कन्वर्सेशन कीजिएगा अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। एक्सक्यूज मी सर, Would you like to order something? Yes, please. What would you like to eat? I'll have biryani with raita. What would you like to drink? What do you have? We have bottled water, juice and coke. I'll have a glass of orange juice. Your meal will be here shortly. Here is your meal. If you need anything else, just ask. Have a nice meal. Jazakallah. Dear students, here you can see word bank. अब word bank हम किसका कर रहे हैं? Yes, adjectives का. Here you can see face expressions हैं, emojis बने हुए हैं, और emojis में नीचे उसके adjectives लिखे हुए हैं. So you can see first word and you can see emoji happy, angry, sad, scared, surprised, shy, sleepy, embarrassed, proud, nervous. इसमें आई होप यू कैन गेट द मीनिंग ऑफ हैप्पी, है ना, हैप्पी की मीनिंग आपको पता है। एंग्री, मुंह से ही लग रहा है उसके, कितने गुस्से में है, आंसू टपक रहा है, दैट मीन्स सैड। स्केयर्ड, उसको खौफ आ रहा है। सरप्राइज, कोई हम बिल्कुल ही अचानक ही कोई चीज़ हमें मिलती है तो हम क्या होते हैं, हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज, हैरान। शाय, शर्मीला। स्लीपी, नींद जिसको आती है, आंखें बंद होने लगती हैं। एम्बेरस, थोड़ा सा घबराया हुआ ना, यानी किसी चीज़ पे शर्मिंदा हुआ हुआ। प्राउड, किसी चीज़ पे तो ऐसा होता है ना कि हमने ये काम कर लिया, हमने कोई चीज़ बनाई तो बड़ा खुशी होती है, बड़ा एक फ़ख्र सा महसूस होता है। से वी आर प्राउड योर सेल्फ, क्योंकि हमें भी आप फ़ख्र है कि आप हाफिज़ कुरान हैं माशाल्लाह। नर्वस, कुछ घबराए वैसे नहीं होते हैं, थोड़ा सा कि कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। सो दीज टाइप ऑफ पीपल मे बी इन नर्वस, और मे बी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं तो नर्वस उनको हम कहते हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी विल बी डन इन आवर फिजिकल क्लास इंशाल्लाह। यस स्टूडेंट, वी आर ऑन पेज नंबर 34, और 34 पे हमें क्या करना है, लेट्स राइट, इस पे काम करेंगे। और इसमें आपके पास लिखने को है माय फेवरेट फ्रूट, मेरा पसंदीदा फल। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव प्रैक्टिस, सफिशिएंट प्रैक्टिस है हमारी इस तरह के काम को, कि हमने पीछे के दो चैप्टर्स में, लेसन में हमने ये काम किया हुआ है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल गिवन ऑप्शंस। इसमें आपको आप सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ब्लैंक हैं, यू विल पुट करेक्ट और सूटेबल ऑप्शंस फ्रॉम दीज कॉलम्स। जैसे ये दिए हुए हैं, कलर्स, टेक्सचर, टेस्ट, साइज, शेप, सीजन, बेनिफिट्स, कंडीशन, यानी
जो भी फल हम पसंद कर रहे हैं उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है यानी वो कैसा है, टेस्ट उसका कैसा है यानी जायका, साइज़ उसका क्या है यानी उसका जो पैमाइश है क्या है, शेप उसका जो शेप है क्या है, साख्त है वो क्या है, सीज़न मौसम किस मौसम में आता है वो, बेनिफिट्स उसके फ़ायदे क्या हैं, कंडीशन में क्या है, बहुत पुराना कोई रखा हुआ है या ताज़ा है, ठीक है पका हुआ है या कच्चा है. सो वी कैन चूज़ द ऑप्शंस फ्रॉम द दीज गिवन कॉलम्स. ओके फर्स्ट इज डैश इज माई फेवरेट फ्रूट. यूजुअली स्टूडेंट बच्चे क्या पसंद करते हैं जी, मैंगो को भी बहुत पसंद करते हैं, बनाना को भी पसंद करते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट माई फेवरेट फ्रूट हियर. मैंगो, मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट. डियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन हियर माई अबाउट माई फेवरेट फ्रूट. ठीक है, मैंने अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में इन कॉलम्स से, इन गिवन ऑप्शन से देख कर लिख लिया है. सो यू कैन ऑल्सो राइट अबाउट योर फेवरेट फ्रूट. आप अपने फेवरेट फ्रूट के बारे में लिख सकते हैं. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ टाइम इज टू नोट डन द होमवर्क. टेक आउट योर डायरी एंड राइट डाउन योर होमवर्क प्लीज. लुक एट द बोर्ड. जी स्टूडेंट, डू एक्सरसाइज 5 एंड 6 ऑफ पेज नंबर 33, एक्सरसाइज नंबर 7 ऑफ पेज नंबर 34. जैसे स्टूडेंट डू एक्सरसाइज 5 एंड 6 ऑफ पेज नंबर 33. सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वो कर दिया था. नाउ लेट्स यू कैन नोट इट. दोबारा से आप इसको देख लें, एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 34 एंड 36. ठीक है बेटा, सो यू विल डू इट बाई योर सेल्फ. स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.